नमस्ते नमस्ते नमस्ते, वेलकम बैक टू द अनफोल्डिंग प्ले। अरे देखो बटर जी सूंघ सूंघ के चल रही हैं। आज दिन 295 है और मैं आपको पिछले दो दिन से बता रहा हूँ, अगर आपने व्लॉग्स देखे हो, कि भाई लोग आज थोड़ा एडवेंचर होने वाला है। और वो एडवेंचर पहले ही पता चल गया है मुझे और बटर को, तो सबसे अच्छी बात यही है, नहीं तो ज़्यादा ही एडवेंचर हो जाता, टू क्रेजी हो जाता। और एडवेंचर ये है कि यहाँ से अब श्रीशैलम जो है 50 किलोमीटर है, और 50 किलोमीटर हम लोगों को कवर करना ही पड़ेगा आज एक दिन में। हमें लोगों ने पहले ही बता दिया था कि ये 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपको शायद ही चाय की दुकान मिलेगी, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। ये जो रास्ता है जंगल घाटी का रास्ता है पूरा का पूरा, जिसमें हम लोग कहीं और रुक नहीं सकते, एटलीस्ट ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है। अब देखो, मुझे कुछ लोगों ने बोला कि चाय वाय की दुकान तो आपको मिल जाएगी श्रीशैलम, यूपी, उत्तर प्रदेश। हाँ, 10 महीना। तो डिपेंडेंट हम लोग नहीं रह सकते थे रूट पे, क्योंकि खाने का तो कुछ नहीं है। तो सभी लोगों ने बोला, आगे कुछ लोगों ने बोला कि एक गांव पड़ेगा पहले 12 किलोमीटर में, उसके बाद हो सकता है पड़े 15 किलोमीटर में, और उसके बाद कुछ नहीं है। तो मतलब बेसिकली टोटल कुल मिला के ये है कि 50 किलोमीटर हम लोगों को कवर करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बटर और मैं निकल चुके हैं जल्दी जल्दी। वैसे तो हम 5:30 निकलना चाह रहे थे, पर करते करते 7 बज गए, क्योंकि खाना पैक कराया अपने लिए, बटर के लिए पानी लिया खूब सारा, ताकि पानी ना मिले तो दिक्कत ना हो। और फिलहाल चल दिए हैं हम लोग, अब बस जंगल घाटी में घुसने ही वाले हैं। ये देखो भाई लोग, चालू हो गया रास्ता, ये सीधी रोड जा रही है, इसके बाद सीधा घाटी में घुसना है हमें, जंगल घाटी। बटर मैडम भी फुल तैयार प्रिपेयर्ड हैं, कोई दिक्कत नहीं, लोग सारी सिचुएशन से जितना कर सकते हैं उतना तो प्रिपेयर्ड ही है, बाकी तो अब रास्ता बताएगा। देखो ये लो भाई, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पे, ऐसा है एडवेंचर तो होगा आज। हम लोग फिलहाल इंक्लाइन पे आ गए, थोड़ा पहाड़ी पे ऊपर जाना है, ऊपर नीचे जो है होता ही रहेगा, मतलब ऐसा है। और ऊपर आएंगे तो व्यू तो अच्छा हो गई, इतना प्यारा व्यू है, क्या बताऊँ, एवरीथिंग इज़ वर्थ इट। ज़्यादा इंक्लाइन नहीं है, देख के पता चल रहा होगा आपको, पर चलेगा। आप एक बार ये व्यू देखो बस, मतलब ओ हो, कोई वर्ड्स नहीं डिस्क्राइब करने के लिए। एक तरफ ऐसा है और दूसरी तरफ ऐसा। मैं आपको बताऊँ तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे थोड़ा थोड़ा नॉस्टैल्जिया हो रहा है कि मैं उत्तराखंड में चल रहा हूँ, क्योंकि उस पहाड़ों में इतना प्रैक्टिस किया है कि लोअर रेंज जो होती है शिवालिक रेंज, वो थोड़ी बहुत रिजेंबल करती है यहाँ से, मतलब हाइट और थोड़ा ऐसा रास्ता। वैसे तो देखो आप, पूरा पहाड़ी का रास्ता है और जंगल है, ऊपर नीचे जा रहा है और इंक्लाइन ज़्यादा है नहीं। ये बीच रास्ते में बटर को खेलने का मन कर रहा है, बटर के लिए खेल मेरे साथ, है ना बटर? ये देखो बटर के लिए मसाज करती रहू तभी चलूंगी, ये देखो। ओहो बटर बस चले आ जाओ, चलो आ जाओ, ओते भी छू चलो। हमारी बटर मैडम को ना कभी कभार मनाना पड़ता है, ऐसा है। चल तो एकदम लेते हैं बटर,
नहीं अच्छा अब नहीं बात करनी, बेटर नहीं हट रही, आप फोकस करो भाई। देखो सुनसान तो नहीं है ऐसे यार, लोग खेती वेती कर रहे हैं अपना, बच्चा भी खेल रहे हैं वहाँ पे, ऐसे तो नहीं है। और सुंदर है व्यू एकदम बढ़िया। तो करीब 8:46 हो रहे हैं और 9 किलोमीटर कवर किया बटर और मैंने। बटर ने बोला भाई ब्रेक चाहिए, पानी पीना है, तो हम लोग ब्रेक लेने बैठ गए। रास्ते के लिए काफ़ी सारी चीज़ें रखी हैं। देखो बटर को इतनी प्यास लगी थी कि वो सारा पानी पी गए। और चाहिए बच्चे? और चाहिए? ये लो। तो बेसिकली मैं पानी कम से कम 4 लीटर लाया हूँ ताकि इनफ हो। एक ये 2 लीटर की बोतल और एक दूसरी साइड 2 लीटर की बोतल। बाकी ये मैंने अपना खाना पैक कराया हुआ है। बटर के लिए बेस्ट ऑप्शन अभी दूध ही था क्योंकि ऐसा कुछ सुबह सुबह मिल नहीं रहा था। डोसा वो खा नहीं सकती, इडली और उसका खाना ख़त्म हो गया, जल्दी आएगा, तो इसलिए दूध बेस्ट ऑप्शन था। और हम लोगों के पास ग्रेस तो है ही, अभी हम लोग आगे जाएंगे कहीं और कोई गांव मिलेगा तो बटर को जो है हीट रिडक्शन जैकेट पहना दी जाएगी। तो मैं आपको दिखाता रहूँगा कैसे कैसे टाइम हम किस किस टाइम पे पूरा करेंगे। 8:48 देखो 9:10 हेलो हाय। तो है लोग निकल चुके हैं हम लोग, टाइम आप लोग देख सकते हो 8:58 हो रहा है और हम लोग दोबारा ब्रेक लेके चल दिए। यहाँ से किसी ने बोला 4 किलोमीटर आगे गांव है, वो जो भाई मिला था उसने बोला 4 किलोमीटर आगे गांव है। तो आगे 4 किलोमीटर में हम लोगों को पानी वानी ऐसा कुछ मिल जाएगा, चाय भी मिल जाएगी वो बोल रहे थे। तो अब स्पीड बढ़ाते हैं, है ना बटर? बटर फोकस मोड में आ रही है, थोड़ा खिलाना भी पड़ा बटर को दोबारा। उत्तराखंड की लोअर शिवालिक रेंज भी ऐसी थोड़ी थोड़ी कुछ दिखती है, मतलब पूरी सिमिलर तो नहीं है, वो तो ये जंगल देख के पता चलता है क्योंकि उत्तराखंड में इतना प्लेन नहीं मिलेगा आपको यहाँ से वहाँ तक का, तो पहाड़ी पहाड़ी होगी। देखो भाई लोग, मैं तेलुगु पढ़ना तो नहीं जानता हूँ पर इतना पता है कि शायद यहाँ लिखा हो कि टाइगर भी मिल सकता है। और बटर जा रही है उसके पास। बटर नहीं नहीं, सही में सामने आ गया तो टटी निकल जाएगी दोनों की। तो हाँ वो गेट है देखो, वो रिजर्व गेट बना रखा है, बट मेरे को लगता नहीं यहाँ से गेट बना रखा है, आदमी तो यहाँ से भी जा सकता है, रास्ता है, तो टाइगर क्यों नहीं आएगा। है बटर क्या कह रहे हो, चुपचाप चल। ओके, चढ़ाई ऊपर की है, हम लोगों को ऊपर ऊपर जाना है हिल पे, वो रास्ता जा रहे हैं, मतलब ऐसे ऊपर नीचे होता रहेगा। बाकी व्यू तो अच्छा ही है। बटर और मैं धूप से बचने के लिए इधर चल रहे हैं इस पेड़ की छाया में। ऐसा है, चल बेटा रेस्ट। मौसम जो है ठीक हो गया, एकदम से धूप चली गई है और बटर की थोड़ी तो हालत ख़राब हो गई है, सो मेरी भी, क्योंकि अब एक ब्रेक के साथ ऐसे चलना, पर जिससे अच्छा हम यहाँ ब्रेक लें और टाइम बीते जंगल के बीच में, इससे अच्छा है कि हम लोग धीरे धीरे करके चलते रहें। क्या बटर सही नहीं करे? हाँ आ जाओ। 9:52 हो रहे हैं और 13.56 किलोमीटर, ले ही लिया ब्रेक। बटर निकाल, नहीं ब्रेक तो बनता है, ब्रेक तो ले लेना चाहिए, तो इसलिए थोड़ी देर ब्रेक लेके फिर चलते हैं दोबारा। दस दस हो रहे हैं और फिर से निकल चुके हैं हम दोनों क्योंकि एकदम से बादल आ गए, तो अच्छा है कि एकदम से यहाँ पे कवर कर लें। वो गांव आने का वेट है, किसी ने बोलता 4-5 किलोमीटर, इतना तो हो गया है, पर देखो जैसे भी है जब भी आता है। यहाँ पे लोकल हैं, उनसे पूछ सकते हैं कितना दूर अना चाय शॉप इनका इंतजूर किलोमीटर।
1 2 रंडू हाँ ओके हाय थैंक यू मतलब 2 किलोमीटर है, बंदर है काफी सारे पर ऊपर बैठ गए। मतलब इस पूरे फॉरेस्ट में बंदर ही बंदर है। अब बटर को देख के सब लोग अभी अंदर हो गए, अच्छा ही है, नहीं तो इतने सारे बंदर तो बटर में एक साथ संभाल नहीं पाएंगे, है ना बटर। गांव सा तो आ गया है, बिल्डिंग दिखाई दे रही है सामने, और व्यू देखो आप, वाह वाह मज़ेदार एकदम। यहाँ बटर जी हमारी चल रही है, बस पहुँच गया बेटा, आ जाओ वो रहा आगे। 10:39 हो रहे, 16.42 किलोमीटर कवर करें बटर। अच्छा बंदर है यहाँ पे, हम लोग को ये दुकान मिल गई। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, चाय वाय पियेंगे फिर चलेंगे आगे। मौसम तो ठीक है, बस थोड़ी देर ब्रेक लेंगे। पहला ब्रेक लिया, थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद दूध पैक करा के चले गए। मैं अपने लिए बड़ा डोसा पैक करा लिया, नेक्स्ट ब्रेक में मतलब बेसिकली शाम तक काम है। 11:16 हो रहे, दोबारा ब्रेक लेके निकल गए। अब बटर को जो है अच्छे से नहला के हीट रिडक्शन जैकेट पहना दिए, पानी में पूरा भिगो के, ताकि बॉडी टेम्परेचर ना बढ़े। अब ऐसे में चलना तो है ही हमें, क्योंकि इतना डिस्टेंस है कि रात जंगल में नहीं बिता सकते। गांव भी बहुत कम है, यहाँ पे मिल गया अगला, वो बोल रहे हैं आएगा तो 7-8 किलोमीटर में। आज भी घर पुराने स्टाइल में बने हुए हैं गाँव में, बैम्बू वगैरह से। 11:30 बज रहे हैं और भयंकर गर्मी हो गई है अब, क्या बताऊँ मतलब। और इससे ये देखो बादल आ गया, ये भी अलग है कि धूप बादल ना ज़्यादा तबीयत ख़राब करेगा, क्योंकि बॉडी एक टेम्परेचर पे नहीं रह पाती। पर हम लोगों को किसी ने 7 किलोमीटर बताया लग गया अगला गांव। गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो गई है भाइयों, मैं क्या बताऊं कि कहां कहां से पानी आ रहा है मेरे, ओहो सब जगह से पसीना है, भर चुका हूं मैं। ओहो पानी पियोगे? हाँ मैं भी। ऐसे तो गलत हो जाएगा हम लोगों के साथ। पी लो फिलहाल 11:54 हो रहे हैं और करीब 20 किलोमीटर कवर करें। 12:21 हो रहे हैं तो चल रहे हैं हम लोग, ब्रेक हो गया। चलो बेटा चलो, धीरे धीरे। अब आगे कहाँ पे गांव पड़ेगा, उन्होंने बोला तो 7 किलोमीटर था, 4 किलोमीटर तो हम लोग कर चुके हैं, अब देखते हैं। 7 किलोमीटर बोला था अन्नाने गांव, 4 किलोमीटर हम चल चुके हैं, तो मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर में ज़्यादा से ज़्यादा एक गांव होना चाहिए। अगर धूप कम नहीं हुई तो चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसी धूप ड्रेन जल्दी कर देती है एनर्जी। और अब आधा ही पानी बचा है, 2 लीटर ख़त्म हो गया, 2 लीटर बचा है। अन्ना नेक्स्ट विलेज इनका यहाँ दूर हम किलोमीटर भाई। हाँ धन्यवाद। 4 किलोमीटर बोल रहे हैं वो, 4 किलोमीटर है अगला गांव, तो 4 किलोमीटर तो कवर किया जा सकता है। प्लान में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, नहीं तो ये वॉक प्लास्टिक हो जाएगी मेरे लिए भी और बटर के लिए भी। बटर को जब से हीट जैकेट पहनाई है तब से बटर तो भी ठीक है, पर मैं फ़िलहाल जो है बटर का खाना ख़त्म हो गया था तो मेरा वेट दोबारा 24 किलो पे आ गया था। उसके बाद 4 लीटर पानी मतलब 28, अब 2 कम हो गया है तो 26 किलो मैं लेके चल रहा हूँ कमर पे। आप लोग एक बार ये सुंदरता देखो ज़रा,
मतलब वाह, धूप छाया, धूप छाया की जो कॉम्बिनेशन है मज़ा ही आ गया। क्या सुंदरता है, वटर जी हमारी खुद निहार रही हैं। ये भाई टाइगर रिजर्व सेंचुरी है, तो मतलब है टाइगर यहाँ। और हमारी डीवाएं, उनके आगे कौन आएगा, और मैं हूँ साथ ही साथ। ऐसे तो कुछ नहीं बन दूंगा अपनी बटर को। क्या कहते हो बटर, बैठना है? बैठो बैठो, यहीं बैठेंगे टाइगर जोन में। कोई बात नहीं है, थोड़ा ही दूर है गाँव, पर जल्दी चलेंगे क्योंकि डर भी लगता है ना। बटर और मैंने करीब 23 किलोमीटर कवर कर लिए हैं, और नेक्स्ट विलेज 7-8 किलोमीटर में था, तो मेरे ख्याल से आने वाला होगा। 7 तो हो गए हैं और अब फिर बादल आ गए। पसीना देखो आप, इतना है कि पूछो मत। आज तो भाई टेस्ट हो गया, टेस्ट। बटर जी अभी ठीक है, जब से इंट्रोडक्शन जैकेट पहनाई है ना, तब से उसको ठीक है, मतलब वो ओवर हीट नहीं कर रही है। पैंटिंग देखो ज़्यादा नहीं हो रही है, वो हाफ ज़्यादा नहीं हो रही है, सबसे अच्छी बात यही है ना। चाय शॉप इनका यहीं तो दूरम किलोमीटर होंगे। हाँ धन्यवाद अनु, चलो 1 किलोमीटर। हाँ, हम लोगों को जगह मिल गई है, बटर को थोड़ा पानी पिलाया जा रहा है। और ये विलेज पेर हो ना, विलेज तुमर बैल, तुमर बैल, तुमर बैल, तुमर बैल, जैसे नागम्मा, नागम्मा, नाराय, दासर नाराय, हाँ, बुमन नागम्मा, बुमन नागम्मा, बुमन नागम्मा, हाँ, हम लोगों का गाँव बटर। हाँ, थोड़ा रेस्ट करते हैं, धूप काफ़ी है, फिर चलेंगे अगला गांव, 10 किलोमीटर बता रहे हैं भैया। तो करीब करीब 2:30 बज रहे हैं और बटर और मैं दोबारा चल दिए हैं। अब मौसम जो है बादल वाला हो गया, दोबारा धूप तो चली गई है, लगता ऐसा ही रहा है कि थोड़ी देर तक धूप नहीं आएगी, तो अच्छा ही है। जो अन्ना थे गाँव में, उन्होंने बताया कि अब यहाँ से 10 किलोमीटर आगे गाँव पड़ेगा, श्री सैलम 27 किलोमीटर बोल रहे थे वो, और नेक्स्ट गांव 10 किलोमीटर। और आप मानो, ये जितनी भी सेटलमेंट है, जब से हम फॉरेस्ट में घुसे हैं, कोई सिग्नल नहीं है, मतलब फ़ोन में किसी भी उसमें, और यहाँ पे लोग विदाउट फ़ोन ही रहते हैं, कोई सिग्नल ही नहीं है। और वो बोल रहे थे कि सिग्नल जो है आपको आएंगे अगर, तो वो अगले गाँव में आएंगे 10 किलोमीटर दूर। तो अगर मौसम ऐसा ही रहा ऐसा भी है, तो हम लोग आराम आराम से पार कर सकते हैं, पर अगर दोबारा धूप आ गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 25 किलोमीटर चलने के बाद अब थोड़ी स्पीड भी धीरे हो गई है, क्योंकि दिन का एवरेज जो है वो तो कवर हो गया है। ये है कि हम लोगों ने आधा ही कवर किया है। श्रीसैलम 50 किलोमीटर है, तो हम जितना आए हैं उतना और चलना है, पर अगर मौसम ऐसा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मौसम पलटा और धूप हुई तो गलत हो जाएगा। वैसे तो अब क्योंकि हम लोग ईस्ट में हैं, तो इसके बाद अगर धूप आई भी 3-3:30 के बाद कम हो जाएगी, वो 11 से लेकर 2:30 की जो धूप थी वो काफ़ी काफ़ी भयंकर थी। मेरा एक ये लो भाई, जंगल सफारी होती है यहाँ, तमूला बायलू दोरनाला रेंज है ये, जहाँ से हम लोगों ने आज चालू किया बटर और मैंने। उस गांव का नाम दोरनाला था, और वहीं से ये पूरा फॉरेस्ट पैच चालू हो रहा है, तो ये दोरनाला रेंज के नाम से आता है, ऐसा बोर्ड पे लिखा था, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आंध्र प्रदेश के ईस्टर्न घाट की दोरनाला रेंज में चल रहे हैं बटर और मैं। हो हो हो, काफ़ी एडवेंचर भाई, घना ही जंगल है, जहाँ देख सकते हो बस जंगल ही जंगल। यहाँ रात हो गई तो मान लो बस टाइमर चल रहा है, एक टाइमर पे चल रहे हैं बटर में। ये जंगल सफारी के एंट्रेंस है, अगर आप लोग आओगे तो जंगल सफारी कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी हमें तो अभी आगे चलना है। तो भाई लोग 3:10 हो रहे हैं, 29 किलोमीटर, 29.48, और एक और ब्रेक लिया है बटर और मैंने, थोड़ा पानी वानी पी के चलेंगे, सामान रखा है, जंगल ही जंगल है इधर उधर,
सब जगह बस ये रोड जा रही है। कभी कभी बीच में कोई आ जा रहा है, ट्रैफिक तो आ जा रहा है, नहीं तो चिड़िया और बंदर ही है। और बटरू और मैं, है ना बटरू, मजा आ रही है? आ रही है, गुड गर्ल। बटर को दूध पिला दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इस कांटे से उठाते हुए खड़ा था मैं और इस कांटे में वो लच के दूध टपकने लगा। देखो बैग पे गिर गया, तो कोई और ऑप्शन नहीं था, इससे अच्छा बटर को पिला दें। काफ़ी टाइम भी हो गया था लास्ट टाइम पिए हुए, मैं बाद में खा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3:50 हो रहे हैं, धूप तो कम हो गई है तो चलने में दिक्कत नहीं है। अब 32 किलोमीटर हम लोग कवर कर चुके हैं और अगर 4 किलोमीटर और चलेंगे तो एक और गांव पड़ेगा, ऐसा बताया गया था हमें। तो धीरे धीरे करके 4 किलोमीटर भी पूरे कर लेंगे बटरौर में, बाकी चढ़ाई है। हाँ देखो कहाँ से रास्ता, चढ़ाई देखो ऐसी, हाँ पसीने तो पूछो ही मत कितने आ गए आज, हाँ बाकी जंगल घना है। रात होने से पहले पहुँचना होगा भाई। 33 किलोमीटर हो गए हैं भाई लोग, 4:08 हो रहे हैं, एक और ब्रेक लिया है पानी वानी के लिए। बटर तो ठीक है, मेरी हालत ख़राब होने लग गई है क्योंकि धूप कम हो गई है, तो बटर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा है कि मेरी अब हालत ख़राब हो गई है, लगेज भी थोड़ा भारी है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हीकल्स तो आ जा रहे हैं, जैसे देखो ये आ गई ये गाड़ी, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने 33 किलोमीटर तो कर ही लिया, उनके हिसाब से 2-3 किलोमीटर चलेंगे तो सामने एक गांव आना चाहिए। बटर आ जाओ। दिन में बटर की हालत ख़राब हो रही थी धूप से और मैं तो भी ठीक था, शाम आते आते बटर रिवाइव कर गई है और मेरी हालत अजीब हो गई है, कदम भी बिगड़ने लग गए, मतलब हो बस जल्दी एक गांव आ जाए तो एक और एक बार आस तो एक और ब्रेक लिया जाए। इस वाइल्ड में काफ़ी सारी गायें हैं भाई, तो मतलब ऐसे में टाइगर का होना मुश्किल है क्योंकि इतनी गायें हैं भाई साहब, बहुत गायें, इतनी गाय तो शहर में नहीं दिखी मुझे और गांव में एक साथ। बटर और मैं करीब करीब 37 किलोमीटर चल चुके हैं और वो गांव अभी भी आया नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं 5 किलोमीटर और आगे चलना पड़ेगा उस गांव के लिए। काफ़ी लोगों ने कहा है कि कोई चाय वाय की दुकान नहीं है, कुछ भी नहीं है वैसा। पर जिस गांव में हम लोग लास्ट रुके थे उन्हीं लोकल ने बोला था कि 10 किलोमीटर बाद जगह पड़ेगी। अब 10 किलोमीटर तो देखो हो चुके हैं, 10 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर ही फालतू है, तो हो सकता है कि 3-4 किलोमीटर चल के और कोई गांव हो। हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे, ओह बीच उसमें, एक बार देखते हैं अंदर कोई है तो अच्छा है, नहीं तो यहाँ तो कोई नहीं है। तो भाई लोग ऐसा है कि मंदिर तो है ओह, पर यहाँ पे कोई है नहीं, खुला हुआ है मंदिर। हम लोग यहाँ रुक जाते, खाना तो है पर पानी नहीं है हम लोगों के पास, उफ पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पानी के बिना नहीं हो पाएगा। मतलब ऑलमोस्ट एक में तो इतना बचा है और दूसरी बॉटल आधी है जिसमें नहीं हो पाएगा। ये करना थे उन्होंने बोला यहाँ से 4 किलोमीटर और है एक गांव पड़ेगा जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि चाय भी मिलेगी वहाँ, और नीचे ही जाना है हम लोगों को, ऊपर नहीं चढ़ना है। अच्छी बात ये भी है, तो ऐसा है थोड़ी देर रेस्ट करके फिर चलते हैं। 5:14 और 38.13 किलोमीटर्स हुए हैं अभी। बटर जी यहाँ पे हैं, हमारी बसेस तो अभी भी आ जा रही हैं भाई, यहाँ यार नीचे ही जाना है आप देख सकते हो। जब तक गाड़ियाँ व्हीकल चल रही हैं तब तक हम लोग इस जंगल में तो भी सेफ हैं, या फिर ऐसे हनुमान जी का मंदिर हो अंदर, तो ये देखो ये हनुमान जी का मंदिर है
यहाँ पे चाहते तो हम लोग रुक सकते थे पर क्या करें, पानी नहीं है और हम लोग गेट भी लॉक कर सकते थे, अंदर से कोई दिक्कत नहीं थी ऐसा, पर पानी नहीं है। सूरज तो चला गया, सूरज के बाद की रोशनी बची है। 5:30 बज रहे हैं अभी, 5:30 बजे आप सोचो कि यहाँ पे सूरज जा चुका है। बटरू मैडम जब तक मेरे साथ हैं तब तक मुझे क्या होगा, है ना बटरू, कुछ नहीं होगा, और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें भी कुछ नहीं होगा, है ना। चलो आ जाओ बस अगले गांव तक पहुँचते हैं जैसे तैसे करके। श्रीशैलम 15 किलोमीटर, सीखाराम 5 किलोमीटर है भाई, पर उससे पहले एक गांव है, हमें नीचे दिखाई दे गया, झाड़ियों से आपको दिखाई नहीं देगा अभी। गाड़ी वाली साइड हो जाओ, वहाँ पे उस साइड ना हम लोगों को दिखाई दिया, क्योंकि हम लोग नीचे जा रहे हैं तो इसलिए मैं झाड़ियों से देख पाया कि नीचे एक सेटलमेंट है और एक गांव है, और मुझे लगता नहीं वो 5 किलोमीटर है। सीखाराम जो है वो कोई और जगह होगी और उससे आगे होगी थोड़ा, बट गांव पास में ही दिख रहा है, 2-3 किलोमीटर होना चाहिए। आप सोचो कि हम लोग ऑलमोस्ट 39.50 किलोमीटर चल दिए हैं, गूगल 50 किलोमीटर बता रहा था, और 40 मान लो आप, और 15 बोट बोल रहा है, तो मतलब 55 किलोमीटर है भाई। ये गांव तो आ चुका है, यहाँ पे चल के देखते हैं। 6:03 बज रहे और 41.12 किलोमीटर्स कवर किए हैं, और हम लोगों को ये जगह मिल गई, एक स्कूल है एक गांव में। बटर को देख के वो भौंक रहे, और ये गांव है पूरा, यहाँ पे हम लोग रुक सकते हैं। मैं आया एक अन्ना बैठे हुए थे, तो ऑफ कोर्स मुझे पूरी अच्छे से तेलुगु नहीं आती है अभी और उनको हिंदी नहीं आती है, तो मैंने गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ किया और मैंने उनसे पूछा क्या हम लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, आज रात सो सकते हैं, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि मैं उन्हें थोड़े पैसे दे दूँगा अगर वो घर से खाना बना के ले आए तो उन्होंने बोला हाँ ऐसा हो सकता है, तो ऐसा है। ये लो जगह मिल गई है, 41 किलोमीटर चल के फाइनली जगह मिली है। अब यहाँ से श्रीशैलम करीब 10-12 किलोमीटर है, तो वो कल ही पार करेंगे। पूरी स्काई ऑरेंज हो गई है, बहुत ही बढ़िया। और ये हमारी जगह है गाइस, वो बच्चा देखो कहाँ चढ़ा हुआ है, वो सुपरमैन है इस गांव का वो देखो ये वो देखो भाई कहीं भी चढ़ जा रहा है एथलीट है भाई हमारा। तो भाई वो रात हो चुकी है और 7 बजे, नहा धो के मैं फ्रेश हो गया हूँ, सब पूरा हो गया है, अन्ना खाना ले आएंगे, पानी भरपूर मिल गया है, तंबू लग चुका है। यहाँ से 14 किलोमीटर है श्रीशैलम, तो कल आराम से पहुँच जाएंगे। और एक ही चीज़ बची, आप लोग सोचोगे कि यार यदि फ़ोन कैसे चार्ज करेगा, पावर बैंक 10,000 mAh का एम्ब्रेन का पावर बैंक है मेरे पास, जो मेरा फ़ोन 3 बार चार्ज कर सकता है फुल, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे दोनों फ़ोन चार्ज हो जाएंगे। फ़िलहाल फ़ोन चार्ज करते हैं और खाने का वेट करते हैं। जियो के तो बिल्कुल सिग्नल नहीं आ रहे, एयरटेल के आ रहे हैं बहुत थोड़े, मतलब इतने कि मैं घर पे बता पाया कि हाँ मैं पहुँच गया हूँ कहीं। भाई अन्ना आए खाना लेके, धन्यवाद अन्ना। ये बटर और मेरे लिए, दोनों के लिए है, राइस और
अचार, तो मतलब जो मिल सकता है वही अच्छा है। बटर को भी थोड़ा राइस खिला देंगे और मैं भी थोड़ा खा के मस्त एकदम सो जाएंगे। धन्यवाद लुआना। मतलब आप सोचो कि इतना मुश्किल हो जाता हम लोगों के लिए पहुंचना कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मतलब। बस अभी आप ये जो अंधेरा देख रहे हो ना, इस अंधेरे में हम लोगों को चलना पड़ता है अभी, और 9 बज जाते हैं हम लोगों को पहुँचते पहुँचते। यहाँ से 14 किलोमीटर दिखा रहा है गूगल मैप्स, और ऐसे ही बस आना रुकना कुछ भी नहीं। गूगल ट्रांसलेटर से मैंने उन्हें समझाया, और दिल बड़ा होना चाहिए दोस्तों। देखो दिन कहाँ से चालू हुआ कहाँ ख़त्म हुआ। भगवान को धन्यवाद बोलते हैं और अन्ना को धन्यवाद बोलते हैं जिन्होंने हमें खाना दिया। वो थोड़ा शर्मा रहे थे इसलिए मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। बाकी बटर अंदर है, मैं भी खाता हूँ, बटर को भी खाना खिला देता हूँ। कल मिलेंगे एक नए दिन एक नए सफ़र पर।